नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और करियर मंत्रा का होस्ट दिनेश पाठक, लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक जो इस साल के किसी भी इम्तिहान में सवाल के रूप में आपके सामने आ सकता है। हाल ही में हमारे देश का सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 जारी हुआ है। इसके बहाने इस अंक में हम जिन सवालों को कवर करेंगे इसे भी जान लेते हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 SPI 2022 कौन जारी करता है, इसकी रिपोर्ट तैयार करने का पैरामीटर क्या है, इस रिपोर्ट में किस राज्य और किस जिले ने बाजी मारी है, कौन साबित हुए हैं फिसड्डी। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने हाल ही में सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक तकनीक है जो अलग अलग लेवल पर देश की सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मूल्यांकन करती है, इवेल्युएट करती है। रिपोर्ट का पर्पज देश में हर लेवल पर की गई सोशल प्रोग्रेस का डेटा एकत्र कर देश को बताना और कमियों के आधार पर उसे दूर करना है। ये इंडेक्स स्टेट लेवल पर 89 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 49 इंडिकेटर्स का उपयोग करता है। इसमें सोशल प्रोग्रेस के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को आधार बनाकर राज्यों और जिलों का आकलन करने की व्यवस्था है। ये कुछ इस प्रकार हैं। हमारी मूलभूत जरूरतें जैसे चिकित्सा व्यवस्था, पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल, सफाई, सुरक्षा और आवास का आकलन किया जाता है। दूसरे सेक्शन में सोशल वेलफेयर स्कीम्स की जानकारियाँ लोगों तक पहुँच रही हैं या नहीं, हवा पानी प्रदूषण का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरे में लोगों के निजी अधिकार, आज़ादी, कर्तव्य, शिक्षा आदि पर भी ध्यान देने की व्यवस्था की गई है। SPI 2022 का निष्कर्ष कुछ यूं रहा। सबसे ज़्यादा स्कोर के साथ पुडुचेरी अव्वल रहा और फिसड्डी रहे झारखंड, बिहार और आसाम। 4 शीर्ष राज्यों में गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ हैं जो अपने नागरिकों की जरूरतों का ध्यान रखने में बाकी राज्यों से काफ़ी आगे हैं। सूचना, स्वास्थ्य, कल्याण, गुणवत्ता में मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा क्रमशः टॉपर हैं। शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण के अन्य पहलू में मिजोरम, नागालैंड और मेघालय शीर्ष पर हैं। अपने नागरिकों को बेहतरीन मौके देने में तमिलनाडु अव्वल आया है, इसे सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं। पानी और सफाई के मामले में गोवा ने टॉप किया है, दूसरा स्थान है केरल का। आश्रय स्थलों और व्यक्तिगत सुरक्षा में चंडीगढ़ और नागालैंड शीर्ष पर हैं। मिजोरम का आइजोल, हिमाचल प्रदेश का शिमला और सोलन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिलों के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के बारे में भी जान लेते हैं। परिषद प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं इससे जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। परिषद व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को विश्लेषण और सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की ओर से संदर्भित मुद्दों पर भी परिषद विचार विमर्श करके उन्हें सलाह देती है। इस समय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय, सदस्य क्रमशः राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, टीटी राम मोहन, साजिद चेनॉय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह हैं। ये सब इकोनॉमिस्ट हैं। सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 पर केंद्रित यह अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपका सुझाव हमारी पूंजी है। इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।